फिलहाल हमारे साथ में एपी सिंह जी हैं जो कि वकील हैं। इस मामले की आपने शुरू से पैरवी भी करी। सबसे पहले तो हम बात करें उम्र कैद की जो सजा सुनाई गई है, चाहे हम 302 की बात करें, 120 की बात करें, या फिर 2 साल की उसमें बात करें जबरन बंधक बनाना, क्या जो 3 साल 11 महीने लगभग वो अभी जेल में रह चुके हैं, 19 होंगे जितने टाइम सभी एक्यूज अभी तक नवंबर 2014 के बाद सभी जुडिशियल कस्टडी में हैं, वो जो 4 साल लगभग होने जा रहे हैं वो सारे इस सजा में काउंट होंगे, ये कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है। फाइन देना पड़ेगा 1 लाख, उसमें 1 लाख, उसमें 5,000 रुपये फाइन, और इस जजमेंट मिलने के बाद, जब जजमेंट मिल जाए उसके बाद हाई कोर्ट में हम इस बात पे अपील करेंगे। इस पैसे को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? रामपाल जो है उनकी तरफ से, आप उनके वकील थे, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया रामपाल जी है उनकी तरफ से ये रही है? वो फैसला सुनाने के बाद उन्होंने बीच में एक बार कुछ कहना चाहा तो जज साहब ने रोक दिया उन्हें कि नहीं, फिर उसके बाद जब फैसला सुनाया तो संत रामपाल दास जी मुस्कराए और बस मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कुछ हाँ ना कुछ नहीं कहा, मुस्कराए और कोई बात नहीं। ठीक, अगर बात की जाए हत्या का कोई भी मामला हो उसमें कम से कम उम्र कैद की होती है, हालांकि अधिकतम सजा का एक दफा से, लेकिन ये आप मानते हैं कि कम से कम सजा दी गई उम्र कैद के हिसाब से, जिस हिसाब से अपराध था उस हिसाब से? हाँ, उस हिसाब से कम सजा है, कम से कम उम्र कैद की सजा सबसे कम। इसके बाद आगे किस तरीके से आपकी बात आएगी? हालांकि एक मुकदमा भी कायदा तो ये है, इसमें सजा ही नहीं होनी थी, सजा बनती नहीं थी, लेकिन हेल्ड गिल्टी क्या, इसमें सजा का ऐसा था ही नहीं कि सजा बने, किसी तरह की सजा का कोई मतलब नहीं था। जिसमें कंप्लेन, इसमें न्याय किसको मिला यही नहीं पता चल रहा है, न्याय किसके साथ हुआ? शुरुआत में शिवपाल इस मामले में शिकायत करता उनकी पत्नी की मौत हुई, उनकी पत्नी की मौत हुई, अब रो कह रहे हैं FIR, जो हमारी डेड बॉडी लेने के लिए FIR रजिस्टर कर, जो डॉक्यूमेंट हमसे साइन कराए वो डेड बॉडी लेने के लिए कराए थे और उसी को FIR बना दिया, वो साफ तौर पर एक्सपायर्ड आंसू गए।